हेलो दोस्तों, हमने 6 दिन की मलाई से 1 किलो से भी ज़्यादा घी निकाल करके रेडी किया था। अब हम 6 दिन की ही मलाई से 2 किलो से भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बटर भी बनाएंगे और घी भी निकाल करके तैयार करेंगे। फ्लेवरफुल बटर हमें काफ़ी जगह काम लगता है। हम ब्रेड बटर भी खा सकते हैं और किसी रेसिपी में भी फ्लेवर वाला बटर यूज करना होता है तो आसानी होता है जब हम इस तरह से फ्लेवर वाला बटर या घी बना करके रख लेते हैं। तो चलिए, हम इस तरह का फ्लेवरफुल बटर कैसे घर में बना सकते हैं, वो भी 6 दिन की मलाई से ढेर सारा। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, 6 दिन की मलाई है और इसे मैंने फ्रीजर से निकाल करके 3-4 घंटे पहले रख दिया था। इसे आप किसी विस्कर से भी विस्क कर सकते हो या किसी चम्मच से भी कर सकते हो। आज मैं यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर का यूज करने वाली हूँ। आप, मैंने पहले भी दिखाया है, किसी भी एक चम्मच से भी इस बटर को आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आज मैंने इलेक्ट्रिक बीटर ले लिया है और फटाफट से इससे हमने बीट करके 2 मिनट में हमारा ये बटर तैयार हो जाता है। और हमने दूध और बटर को अलग कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब बटर को हम 3 से 4 पानी से धोएंगे। बटर को धोना ज़रूरी होता है। मैंने जब भी घी की रेसिपी डाली है बटर की, तो मैंने बताया है कि इस तरह से बटर को अच्छी तरह से आप धो लीजिए। इससे हमें फ़ायदा यह होता है कि जब हम घी को मेल्ट करते हैं तो उसमें जो मठे होता है, जो घी बनाते समय जो मावा नीचे जम जाता है, वो बहुत कम निकलता है। तो इस तरह से हम इस बटर को 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। और इस जो छांस बची हुई है, जो बटर मिल्क है, इसका आपको पनीर बनाना तो आता ही है। एक चीज़ मैं और बताऊं, अगर आप इस दूध में ये वाला पानी मत डालिएगा, जो हमने 2-3 बार जो छांस धोते हैं वो मत डालिएगा। जो फर्स्ट टाइम का मिल्क निकलता है उसे खूब अच्छे से बॉईल कीजिए और रूम टेम्परेचर पे ला करके ठंडा कीजिए। उसमें दही का जावन डाल करके बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सी दही भी आप बना करके रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ पर बटर जो है वो बन चुका है, काफ़ी ढेर सारा बटर बन गया है। तो मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हम फ्लेवरफुल बटर बनाते हैं। तो यहाँ मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। अब जो लाल वाली मिर्च आती है, जो तीखी कम होती है, उसको मैंने बारीक बारीक एकदम से चॉपर में चॉप कर लिया है। और लहसुन भी इसमें डाल दिया था साथ में ही। तो मिर्ची और लहसुन दोनों को अच्छे से हम चॉप कर लेंगे। एकदम इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दरदरा सा चॉप करेंगे और इस बटर में मिक्स कर देंगे। लीजिए, चिल्ली गार्लिक बटर तैयार हो चुका है। अब इसे हम स्टोर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैंने क्लिंग रैप ले लिया है। इसे हम थोड़ा सा लंबा सा काट लेंगे और इस बटर को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। और इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से ऐसे सेट कर लेंगे ताकि ये देखने में भी बढ़िया लगे, एकदम बढ़िया सा गोल बन जाए। और इसे फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा, उसके बाद इसे हम निकालेंगे। अब चलिए हम दूसरा फ्लेवर बना करके तैयार कर लेते हैं। तो फिर से थोड़े से बटर में मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। यहाँ गार्लिक डाल दिया है खूब सारा चॉप करके, और धनिया और पुदीना। तो गार्लिक, कोरिएंडर और मिंट वाला फ्लेवर यहाँ हमारा तैयार हो जाता है। बहुत ही टेस्टी सा ये बटर लगता है फ्रेंड्स। आप चाहें इसे ब्रेड बटर पर लगा करके खाइए या तो किसी रेसिपी में यूज कीजिए। बहुत ही टेस्टी सा ये बटर हमारा तैयार होता है। तो अब इसे भी हम क्लिंग रैप में इस तरह से फोल्ड करके और फ्रीजर में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ हमने 2 फ्लेवर का बटर बना करके तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से आप चाहें तो कॉफ़ी फ्लेवर, आप चाहें तो चॉकलेट फ्लेवर, आप चाहें जिस भी फ्लेवर का चाहें उस फ्लेवर का बटर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्लेन बटर रखा है, क्योंकि प्लेन बटर की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किचन में। तो यहाँ थोड़े से मैंने प्लेन बटर को भी रख दिया है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा फ्लेवर वाला बटर बना सकते हैं। जिस हिसाब से आपको ज़्यादा, जिस बटर की ज़्यादा ज़रूरत है उसे ज़्यादा बना लीजिए, और जिसकी कम ज़रूरत है उसे कम बना करके इस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए, 1 घंटे मैंने इन बटर को सबको फ्रीजर में रख दिया था और काफ़ी अच्छे से ये सेट हो गए हैं। तो आप इसे इस तरह से क्यूब में काट काट करके यूज कर सकते हैं।
तो देखिए कितना बढ़िया इसका क्यूब भी कट जाता है। बहुत ही बढ़िया सा ये हमारे बटर फ्लेवरफुल बटर फ्रेंड्स बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम सभी बटर को काट करके रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आती है, मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो उनको भी देखने को मिले, उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे बटर मैंने इस तरह से काट करके रेडी कर लिया है और काफ़ी अच्छा सा हमारा बटर तैयार हो गया। अब लीजिए, घी बनाने का बिल्कुल नया और अनोखा तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक टोप में भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए, उसके ऊपर आप बटर की बाउल रख दीजिए। कांच के बर्तन में बटर हो तो भी चलेगा, किसी स्टील के बर्तन में भी बटर आप रखे होंगे तो भी चलेगा। इस बटर को आपको बार बार चलाने या हिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही तो ये बटर बाहर निकल करके गिरेगा उबल करके, और ना ही तो ये जलेगा। बहुत ही आसानी से इस बटर को हम बना सकते हैं। आप चाहें तो एकदम बढ़िया से पानी को बॉयल करके और गैस की फ्लेम बंद करके भी इस बटर को बना सकते हैं। जब इस तरह से आप खौलते हुए पानी पर बर्तन को रख देंगे ना, तो आपका घी अपने आप बन करके तैयार हो जाएगा। तो जो नीचे का मठेव होता है, जो नीचे पनीर जमता है, वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर इस तरह से ये घी बन करके तैयार हो जाएगा। इस घी की बात यह है कि इस घी को आप बहुत दिन तक नहीं रख सकते हो। जब आप इस घी को जल्दी यूज करना चाहते हो, तब इस तरह से आप घी बना करके रेडी कर लीजिए। बहुत जल्दी से ये घी बन करके तैयार होगा। अगर इस घी को आपको लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा दिन तक रखना है, तब घी निकाल करके आप एक बार कढ़ाई में बॉयल ज़रूर कर लीजिएगा। अब फ्लेवरफुल घी बनाने के लिए हमने बटर को देखिए इस तरह से कढ़ाई में डाल करके बॉयल कर लिया है। आप इसे जो मैंने पहले तरीका बताया कि खोलते हुए पानी के ऊपर रख करके बना सकते हो, इसे भी आप उसी तरह से बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों तरीका बता दिया है। देखिए, इस तरह से भी हम घी बना सकते हैं, फ्लेवर वाला, और पहले जो बताया बॉईल करके बिना मेहनत वाला, वो भी। तो दोनों तरीके में से आपको जो पसंद आए, आप उस तरह से घी को बना सकते हैं। अब इस पुदीने और धनिए के फ्लेवर वाले बटर को भी हम इस तरह से मेल्ट करके और इसका भी घी बना करके रेडी कर सकते हैं। तो आपको अगर बटर की ज़रूरत है तो आप इस तरह से बटर बना लीजिए, और अगर घी की ज़रूरत है तो इस तरह से फ्लेवरफुल घी भी बना करके आप रख सकते हैं। दोनों ही बहुत बढ़िया लगता है। और इस तरह से फ्लेवर्ड बटर बनाने के बाद अगर आपने घी बनाया है, तो नीचे का जो ये मठेव है, जो मावा है, इसको आप पराठा में यूज कीजिए। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी इसका पराठा भी बन करके तैयार होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।